फ्रेंड्स, मैं सुनीता मैनानी आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ इज हैप्पीनेस में। आज मेरी वॉइस थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी सी आवाज आपको थोड़ा सा समझ में ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। आज मैं वापस से इस चैनल में आपके पास आई हूँ कुछ यूविन से ही रिलेटेड बातें करने के लिए, क्योंकि यूविन में हमारी कुछ ऐसी बहनें हैं जो काम कर भी रही हैं और कुछ काम नहीं कर रही। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो कुछ जो मेरे पुराने वीडियो हैं वो देखकर करने की कोशिश कर सकती हैं। और अभी कुछ अपडेट्स हुए हैं, उन अपडेट्स को लेकर मैं आज फिर से इस वीडियो में आपके पास सामने आई हूँ। देखिए, ये यूविन जो ऐप है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडोरिया जी, उन्होंने ये राष्ट्रीय तौर पर पूरे भारत में हमारा यूविन ऐप चलाया हुआ है। इसमें हमें ये पता चल सकता है कि टोटल हमारे कितने बच्चे पूरे भारतवर्ष में वैक्सीनेटेड हो रहे हैं। ये ऐप अगर यूज़ किया जाए तो बहुत ही सरल है। जो अनमोल ऐप चलता है उससे भी ज़्यादा सरल हमारा यूविन ऐप है। इसमें हमें किसी बच्चे की टोटल पूरी ही एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ हमें उसको सर्च कर उसको ऐड कर और हम उसको आराम से एंट्री उसमें कर सकते हैं। ये चीज़ है कि हम इसमें जो पुराना वैक्सीन जो बच्चों का हो चुका है हम इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, और करंट का जो वैक्सीन है हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जो चेंजेस हुए हैं मैं आज उनको सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेस हुए हैं उनको हाईलाइट करने के लिए आज मैं यहाँ आई हूँ। आप इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और हम किस तरीके से यूविन में जो एंट्री पहले से कोविड के दौरान की गई है उसको किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आए थे कि कोविड के दौरान कुछ पेशेंट्स ने नंबर मोबाइल नंबर दे दिए थे, अब मोबाइल नंबर हम चेंज कैसे करें। तो मोबाइल नंबर जो हमारे पुराने कोविड के टाइम पर चढ़े हुए हैं, अभी वो पेशेंट के सामने या जो वैक्सीनेटर हमारे पास है वैक्सीनेटर के पास जो मोबाइल नंबर पुराना वाला है वो कोविड में नहीं आ पा रहा है, तो हम अब इसमें मोबाइल नंबर हो, चाहे बच्चे का नाम हो, चाहे माता का नाम हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, इस तरीके से सब बातों को हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए OTP की भी ज़रूरत होती है। अब मैं आपको पूरा बताऊंगी कि OTP किसके पास जाएगा, आपको कैसे इसमें एंट्री करनी है, आप कैसे एडिट कर सकते हो, पर इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ना। तो अब अपन आगे बढ़े। सबसे पहले एक चेंजेस जो हमारा हुआ है, सबसे पहला जो चेंजेस हुआ है, अभी सबसे पहले हम लोग जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते समय हमारे पास जो फील्ड आती है, मैं देखिए कुछ भी पहले जो मैंने पूरे वीडियो कर दिखाया था, आज मैं कर नहीं दिखा रही हूँ आपको, मैं बोर्ड पर एक एक फील्ड बताती जाऊंगी। जब आप मोबाइल में करोगे तो वो फील्ड वैसे की वैसे ही आपको दिखने को मिलेगी। इससे ये होगा कि जब मैंने मोबाइल में एंट्री की थी तब आपकी कुछ कुछ फील्ड बिरर आ रही थी, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए इसमें आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसलिए मैं एक ही चीज लिख कर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी कि जैसे आप अच्छी तरीके से एंट्री कर सकें। सबसे पहले जब हमारा स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक तो हमारा जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है जो कि हमारा फोन करता है, मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो हमारा ही मोबाइल नंबर होता है जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया हुआ होता है और उनके तरफ से हमारी आईडी बनी हुई होती है, वो हमें देते हैं कि आपका यही मोबाइल नंबर है जो कि आपका यूजर नेम या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के रूप में आप इसका काम कर सकते हो। उसके बाद हमारा नीचे लिखा हुआ आता है हमारा पासवर्ड, है ना, तो हम उसमें अपना पासवर्ड जो भी हम वो फिल करते हैं। इस तरीके की दो फील्ड हमारी बनी हुई आती है, हम दोनों को करते हैं और नीचे लिखा हुआ आता है लॉगिन। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन पर क्लिक करने से पहले क्या होता था, डायरेक्ट ही हमारा डैशबोर्ड आ जाता था, डायरेक्ट हम एंट्री वाले डैशबोर्ड से हम अपनी एंट्रियां कर सकते थे। पर अब इसमें ये चेंज हुआ है कि जैसे हम लॉगिन करते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाता है। ठीक है, OTP जाता है, जब ये OTP जाएगा और फिर हम OTP उसमें फिल करते हैं ना, जब OTP फिल करते हैं, OTP फिल करने के बाद ही हमारा जो मेन स्क्रीन है यानी कि जो डैशबोर्ड है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए डैशबोर्ड जो हमारा आता है वो डैशबोर्ड किस तरीके का आता है। ठीक है, डैशबोर्ड जो हमारा आता है आप देख सकते हो इस तरीके का हमारा डैशबोर्ड आता है।
का हमारा डैशबोर्ड आता है, पर इसमें कुछ फील्ड्स जो है हमारी कम दी हुई है ना, तो हमारी इसमें अब जो है दो फील्ड्स जो है वो बढ़ चुकी हैं। कौन सी हमारी दो फील्ड बढ़ी है? देखिए, सबसे पहले हमारा पास जो आता था, एक आता था डैशबोर्ड, ठीक। दूसरे चीज में आती थी हमारा, दूसरा आता था आशा का मैनेजमेंट, ठीक है। आशा का मैनेजमेंट आता था, ठीक है। तीसरा हमारा क्या आता था उसमें? हमारा वैक्सीनेटेड बेनिफिशियरी। वैक्सीनेटेड बेनिफिशियरी में क्या आता है? जितने भी आप वैक्सीनेटेड कर दोगे चिल्ड्रंस को, चाहे प्रेग्नेंट वुमेन को, उन सारे के सारे का नाम आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी, आपको पूरे का पूरा यहाँ पर आपको इसमें लिस्ट शो हो जाती थी, ठीक है। चौथे नंबर पर अब जो आ रहा है वो आ रहा है, क्या आ रहा है? प्री रजिस्ट्रेशन, प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी, ठीक है। प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी से मतलब ये है, प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी से मतलब ये है हमारा कि जो हमारे गांव में आशा कार्यकर्ता है, जिसको कि हमने आशा मैनेजमेंट के थ्रू हमने किसमें अपने गांव से ले टेक कर दिया है, तो उस आशा ने उसके गांव में टोटल ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि वैक्सीनेटेड उस दिन होने हैं, या कितनी इतनी गर्भवती महिलाएं हैं जिनको वैक्सीन लगाना है, तो वो टोटल प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज में वहां पर आपको टोटल लिस्ट शो होगी जो कि आशा के द्वारा वहां पर बनाई गई होगी। इसमें एक बेनिफिट ये रहेगा कि जब प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी की लिस्ट आप देखोगे तो उसमें से जो भी बच्चा आपके पास आया वैक्सीन लगवाने के लिए, सपोज कोई राम नाम का बच्चा आया, आपकी आशा ने पहले से उसे प्री रजिस्टर्ड कर रखा है, तो आपका काम क्या होगा? सिर्फ उस राम वाले बच्चे पर क्लिक करोगे, उसका पूरा वैक्सीन फिल करोगे और वैक्सीनेटेड मेंबर कर दोगे, आपका काम आधा हो जाएगा। तो प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी में आपको टोटल वो पूरे बेनिफिशियरी दिखेंगे जो कि आपके आशा के द्वारा उसमें लिंक करके या आपने रजिस्टर्ड कर रखे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवे नंबर पर आपकी ड्यू लिस्ट, जो आजकल आप मैनुअली बनाते हैं, है ना, उस मैनुअली जो ड्यू लिस्ट बनाते हो, इसमें आपकी टोटल पूरी ड्यू लिस्ट शो हो जाएगी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी पूरी की पूरी ड्यू लिस्ट दिखेगी। उसके बाद हमारा आता है रिसोर्सेस, और दूसरा आता है हमारा लास्ट में सेवन आता है कॉन्फिग्रेशन। तो हमारे जो कॉन्फिग्रेशन है या फिर रिसोर्सेस है, इन दोनों का हमारा कोई अभी यूज नहीं है। हमारा मेन यूज जो है एक से लेकर जो पांच तक के हैं, इनमें हमारा यूज है। आशा मैनेजमेंट आपको ही करना है। डैशबोर्ड में आपकी मेन स्क्रीन है जहां पर आपका सब सेंटर का नाम और टोटल कितने विलेजेस हैं, या फिल्टर, सेशन एंड, सेशन स्टार्ट, ये सब हम जो है वो हम डैशबोर्ड से करते हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आज हमारा मेन टॉपिक क्या था कि हम एडिटिंग कैसे करेंगे, तो अब अपन मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि एडिटिंग कैसे की जाए। देखिए, इसमें सही बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, इसलिए मैं कुछ पेपर्स लेकर खड़ी हूँ कि इसमें से मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। अब हमारा मेन टॉपिक था कि हमारा एडिटिंग कैसे करें, या जो भी हमारा बच्चा डिलीवर्ड हॉस्पिटल में भी हो रहा है, ये भी मैं बता दूं आपको कि यूरिन का जो ऐप है वो हॉस्पिटल में जो बच्चा बर्न होता है, बेबी का जैसे बर्थ होता है, तो आफ्टर बर्थ जो हमारे तीन वैक्सीन लगते हैं बेबी को, ओपीवी जीरो डोज, हेपेटाइटिस और बीसीजी, उसकी एंट्री हॉस्पिटल से हो रही है, तो जिस समय हॉस्पिटल में एंट्री की जाती है तब वहां पर क्या लिखा जाता है? बेबी का नाम। तो बेबी का नाम तो वहां पर थर्ड डे पर कोई भी पेरेंट्स नहीं बता सकता है क्या? नहीं। तो वहां पर जब बच्चे का नाम नहीं होता है तो उसको वो किस तरीके से रजिस्टर्ड करते हैं? बेबी ऑफ नेम ऑफ मदर, ठीक है। नेम ऑफ मदर का मतलब यहाँ है, सपोज यहाँ पर माँ का नाम जो है सीता, ठीक है। अगर सीता का कोई बच्चा हुआ है तो वहां पर आपके पास आपके एरिया की कोई लेडी है प्रेग्नेंट वुमेन की सीता, उसको बेबी डिलीवर्ड हो गया,
अब वहां पर उसका नाम आ जाएगा, आपके पास क्या शो होगा जब उसको वैक्सीन लग जाएगा, तो आपके पास नाम आएगा बेबी ऑफ सीता। और इसके जो फर्स्ट डोज था यानी कि जो जीरो डोज था वो वहां पर कंप्लीटली उसमें रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, जीरो डोज उसमें पूरा रजिस्टर्ड होगा। अब आप ये सोचो कि जब जीरो डोज उसमें एड है, अब आपके पास नाम क्या आ रहा है, बेबी ऑफ सीता, ठीक है। अब मदर आपके पास आई है सीता अपने बेबी को लेकर, कौन से मंथ में आएगी वो आपके पास, 45 डेज के बाद, यानी कि वन एंड हाफ मंथ में वो आपके पास आएगी। आपके पास जब वो आ रही है फर्स्ट टाइम आ रही है, फर्स्ट वैक्सीन लगवाने के लिए आ रही है, तब उसने उस बच्चे का नाम रखा, उस बच्चे का नामकरण हो गया, तब आपको बेबी ऑफ सीता जब आएगा तब आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एडिट। अब आप सोचोगे इसको एडिट कैसे करेंगे, तो एडिट करने के लिए अब मैं आपकी पूरी प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरीके से उसको एडिट करना है। उसमें मोबाइल नंबर भी आप एडिट कर सकते हो, बेबी का नाम भी एडिट कर सकते हो, जो भी आप चाहें वो आप एडिट कर सकते हो। बहुत ही इजी प्रोसेस है, एडिट कर उसको आप अपडेट कर दो। अपडेट करने से क्या होगा, भविष्य में उस बच्चे का सही नाम एंटर होगा, सही मोबाइल नंबर एंटर होगा, तो वो सही तरीके से अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकती है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिसको भी वैक्सीन लगा रहे हो उसकी सही इंफॉर्मेशन उसमें आप इंटर करो, है ना। तो ये आप इस तरीके से अगर अच्छे से करेंगे तो आपके ही एरिया में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भविष्य में इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि मैम इसका हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। पर इसलिए आपको थोड़ा सा सजग ये रहना पड़ेगा कि स्टार्टिंग से ही आप जब एंट्री कर रहे हो उसको अपडेट करते हुए चलो, चाहे मोबाइल नंबर हो, चाहे नाम हो, माँ का नाम चाहे पिता का नाम, ठीक है। अब आप एडिट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हमारा प्रोसेस आ रहा है एडिटिंग का, ठीक है, एडिट कहे या फिर आप इसको अपडेट कहें, दोनों कह सकते हैं, ठीक, एडिट या अपडेट। वैसे मैं इसलिए अपन अपडेट कहें तो ज्यादा सही वर्ड है कि पहले से ही उसकी एंट्री की हुई है, हम उसको अपडेट कर रहे हैं कुछ जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो जब हम डैशबोर्ड पर देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ आता है, फिल्टर, है ना। हम फिल्टर पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है, ये तो आप लोग सब कर चुके होंगे और अच्छी तरीके से कर रहे हैं, इसको डिटेल में मैं नहीं बता रही हूँ। डायलॉग बॉक्स आता है, आप उस फिल्टर में उसका आधार से या मोबाइल से आप उसको सर्च करते हो, और जैसे ही आप सर्च करते हो तो आपके पास क्या लिखा हुआ आता है, एक तरफ लिखा हुआ आता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के पास में इस तरीके का एक एरो होता है, ठीक, और उसके बाद यहां पर आता है अलोकेटेड, ठीक है, अलोकेटेड 4, 3, 2 जो भी। इसका 4, 3, 2 का मतलब यह है कि आपने अगर मोबाइल नंबर से इसको फिल्टर किया है तो इस मोबाइल से कितने लोगों का नाम अलोटेड है, तो जैसे 4 है तो 4 के नाम आपके पास शो होंगे, ठीक है। आपके पास इस मोबाइल नंबर से 4 के नाम आते हैं, आपका मोबाइल नंबर यानी सही है, और अगर मोबाइल नंबर गलत है तो आप फिर कैसे ढूंढोगे, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर ना डालते हुए आप यहाँ पर क्या डालोगे, आधार, है ना, आप यहाँ पर क्या डालोगे, आधार। जब हम आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, ठीक है, सपोज हमने आधार कार्ड का नंबर डाला तो यहाँ पर अलोकेट कितना आ जाएगा, सिर्फ 1, यहाँ पर फिर 4 नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, 1। क्यों 1 आएगा, क्योंकि जिसका आधार होगा सिर्फ उसी का ही नाम यहाँ पर आपको शो होगा। प्लस उसके साथ एक अच्छी चीज ये है कि जैसे ये आधार हमने किसी सीता नाम की लड़की बच्चे का या किसी लेडी का हमने डाला है तो वही सीता का यहाँ पर नाम आएगा, ठीक है, और उसका जो भी मोबाइल नंबर होगा कोविड के टाइम का, कौन से टाइम का,
कोविड के टाइम पर वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। पूरा का पूरे 10 के 10 अंक आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे के पूरे आपको नंबर अच्छी तरीके से दिखेगा। आप वो नंबर महिला से पूछ सकते हो कि आपका यही नंबर है, अगर वो कहती है कि नहीं मैम हमारा नंबर चेंज हो गया है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट करने के लिए यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको पास में ही सीता के पास में इस तरीके का एक साइन बना हुआ आएगा, ठीक है। इस साइन पर आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस साइन पर क्लिक करोगे तो क्या आएगा, बेनिफिशरी क्या आता है आपको तो पता ही है क्योंकि आप ये काम अभी ऑलरेडी कर रहे हो, है ना। बेनिफिशरी अलोकेट टू सेशन अब क्या हो गया, यानी कि सीता के बच्चे को जो हमारा है बेनिफिशरी को जो था उसको हमारा सेशन अलॉट हो चुका है। अब हमें उस सेशन जब अलॉट हो गया है यहाँ से हमने देखा है, तो अब वो हमें कहाँ मिलेगा, बच्चे को कहाँ देखना पड़ेगा, हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, पहले क्या लिखा हुआ आ रहा था अलोकेट, अब आप अलोकेट लिखा हुआ है यहाँ से हमारी एंट्री गायब हो जाएगी। अब आप कहाँ देखोगे, तो यहाँ पर क्या है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन पर ये वाला एरो साइन दिख रहा है ना आपको, इस साइन पर हम क्लिक करते हैं, किस पर, यहाँ ये जो साइन दिख रहा है लेस देन का, इस पर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके पास क्या लिखा हुआ आता है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो अलोकेटेड हट जाएगा, अलोकेटेड की जगह पर क्या लिखा आ जाएगा यहाँ पर आपका शेड्यूल शेड्यूल एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा वेरीफाई, तो हमारे जो भी बात नहीं, पहले अब शेड्यूल्ड आ गया, शेड्यूल में क्या लिखा आएगा, जो भी सीता का बेबी का जो भी हमने नाम रखा था, क्या जो भी हमारा रख गया सीता, उसके बाद यहाँ पर आपका उसका मोबाइल नंबर, ठीक है। और उसके पास में ही शेड्यूल के पास में ही जब ये सीता का नाम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, अब किस प्रकार का साइन बना हुआ आएगा ये देखिएगा, इस टाइप का साइन बना हुआ आएगा, एक क्या बनी हुई है यहाँ पर, ये पेन है ना, एडिट का साइन है ये, ठीक है, ये साइन होगा इस टाइप का, सीता के जस्ट सामने ये साइन लिखा हुआ होगा, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमारी एडिट की प्रोसेस चालू हो जाएगी, क्या प्रोसेस चालू हो जाएगी, एडिट की। और अब हमारे पास किस तरीके का फॉर्मेट आएगा, आपको वॉइस मेरी कैसे क्लियर आ ही रही होगी, अब इसके बाद हमारे पास किस तरह का फॉर्मेट आएगा, आएगा इधर आएगा एडिट मेंबर डिटेल, ठीक है, ये लिखा हुआ आएगा एडिट मेंबर डिटेल, ठीक है, एडिट मेंबर डिटेल्स। अब जब एडिट मेंबर डिटेल्स का पूरा फॉर्मेट आएगा, इस पूरे फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आएंगी, आपकी पूरी पर्सनल डिटेल आएगी, उसमें फुल नाम आएगा जो भी है, ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आएगा, ठीक, उसके बाद आपका जेंडर आएगा, ये सब आपको इसकी जो फील्ड है वो पूरी फिल करते चले जाना है। उसके बाद हमारा पर्सनल डिटेल के बाद आ जाएगा हमारा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमने उसको किस से आइडेंटिफाई किया, आधार से, मोबाइल आधार से, पैन कार्ड से, राशन कार्ड से, जो भी आपने उसका लगाया है वोटर आईडी, वहां पर हमारा आइडेंटिफिकेशन में उसका नाम नंबर देना पड़ता है, फोटो आईडी का, और फोटो आईडी कौन सी लगा रहे वो देना पड़ता है। उसके बाद आता है आपका न्यू मोबाइल नंबर और ओल्ड मोबाइल नंबर, यानी कि कंफर्म मोबाइल नंबर, ठीक है, न्यू मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ लिख देती हूँ जिसे आपको सब सही से अच्छे से दिख जाए, न्यू मोबाइल नंबर और आपका जाएगा कंफर्म मोबाइल नंबर, और बाद में हमारा नेक्स्ट आएगा, यहाँ पर एक बॉक्स आएगा और यहाँ पर एक लिखा हुआ आएगा आई हेयर बी कंफर्मली, यानी कि मैं इस इंफॉर्मेशन को जो भी दे रही हूँ वो टोटल सही है। अब इसमें आपका जो नाम अगर आपको चेंज करना है तो
तो आप नाम चेंज करोगे, जो हमने नाम रखा था यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, बेबी ऑफ सीता, तो आप उस बच्चे का नाम क्या लिखेंगे जो हमने सपोज किया था कि राम है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे राम। ठीक है, अगर वो महिला कहती है नहीं हमारा मोबाइल नंबर ये नहीं है, हमारा मोबाइल नंबर दूसरा है, तो आप यहाँ पर उसका जो भी नंबर है जो आपको देना है वो आप नंबर यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, और उसी नंबर को रिपीट यहाँ पर लिखोगे। सपोज आपका उसने महिला ने कहा नहीं मेरा नंबर वो 1234 नहीं था, मेरा नंबर है 5678 9, जो भी नंबर हमारा वो बताती है, ठीक है, वही वाला नंबर आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, नंबर वही कंफर्मली वही चेंज तो नहीं करना, सेम नंबर यहाँ पर, दोनों मोबाइल नंबर सेम। उसके बाद यहाँ पर एक इस तरीके का बॉक्स लिखा आएगा और यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन मांगता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही है कि नहीं, तो यहाँ पर आप एक बार क्लिक करोगे तो इस तरीके का राइट का साइन आएगा, और जैसे ही राइट का साइन आएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है नेक्स्ट। ठीक, जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते से ही हमारे पास क्या आता है, OTP। अब OTP किस नंबर पर जाएगा, मेन चीज तो ये है, क्योंकि आपने जो महिला थी उसका जो पुराना मोबाइल था वो तो चेंज हो गया, उसके पास नंबर है ही नहीं, अब OTP किस पर जाएगा, है ना। अगर ये इसके पुराने नंबर पर जाता तो क्या होता, आप इसको चेंज कर ही नहीं सकते थे, इसका मोबाइल नहीं चेंज कर सकते थे। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये इतनी अच्छी हमें फैसिलिटी दी है कि इनका मोबाइल नंबर हो चाहे इनका नाम हो कुछ भी हो वो हम चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो OTP आएगा वो किस पर आएगा, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, आप ही का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। किसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर? वैक्सीनेटर का, जो हमारा वैक्सीनेटर है उस वैक्सीनेटर का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो उसकी यूजर नेम या यूजर आईडी भी है, उसी वैक्सीन उसी नंबर पर OTP जाएगा। वो OTP जब आप उसमें फिल करोगे, जैसे ही आप OTP वहां पर फिल करोगे, OTP पूरा लिख दोगे तो वहां पर आ जाएगा सबमिट का बटन, जब आप वो सबमिट कर दोगे तब जो हमारी इंफॉर्मेशन थी वो टोटली अपडेट हो जाएगी और हमारा जो पेशेंट है या जो हमारा बच्चा है जो वैक्सीनेटर है बेनिफिशियरी है, हम उसको फिर वैक्सीन लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये सबसे अच्छी चीज मैंने जो आपको बताई है कि OTP किसके पास जाता है, आप ही के पास, इसलिए बेनिफिशियरी को तंग करने की हमें जरूरत नहीं है कि आपका पुराना मोबाइल नंबर लाओ तो ही हम एडिट कर पाएंगे कि OTP जाएगा, नहीं, OTP आप ही के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, आप उससे डायरेक्ट उसका चाहे मोबाइल नंबर हो चाहे नाम हो किसी प्रकार का जो करेक्शन हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, ये एक अच्छी चीज इसमें दी गई है। और जैसे ही हमारा वापस से एडिट होकर जो हमारा वहां पर क्या लिखा हुआ था बेबी ओसी का, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, उस बच्चे का नाम आ जाएगा जिसे हमने सपोज किया था, राम आ गया। ठीक है, और फिर हम उसको टोटल उसके जो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी और हम उसको वापस से जो हमारी चार स्टेप्स होती हैं, है ना, मेंबर का वेरिफिकेशन करकर और उसको मैनुअल वेरिफिकेशन करकर हम उसको आराम से पूरा वैक्सीन लगा सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन हमने टॉपिक लिया था एडिट का, यानी कि अपडेशन का, उस अपडेशन को कैसे करना है, उस अपडेशन का OTP कहाँ जाता है, उसके लिए किस प्रकार का फॉर्म आता है, मेरे ख्याल से मैं पूरी अच्छी तरीके से आपको समझा चुकी हूँ, पर अगर फिर भी आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हो, और अगर मुझे आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का कुछ और किसी ऐप से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी क्यूरी हो हेल्थ से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हो या आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, इसी प्रकार से आगे मेरे साथ बने रहें और मुझे इसी तरीके से इंक्रेज करते रहें। चलो बाय।